हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं हमारी ये जो क्लास है फेयर इंग्लिश क्लास के नाम से है। पिछले टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, आज मैं आपको पार्ट टू के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका सीधा सा कारण ये होता है कि जब हमारी वर्ब की फॉर्म सीरीज में चलती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, कहीं ना कहीं पास्ट इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म आती है, फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म आती है इंडेफिनिट में, तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सीरीज है इसको इंडेफिनिट से पहले चलाया जाए, पहले इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों चलते हैं सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए, पहले मैं इसकी पहचान बताता हूँ। ये जो टेंस है इसके जो भी हिंदी वाक्य होते हैं उन हिंदी वाक्यों की जो वर्ब होती है, क्रिया जो होती है, उसके अंत में ताथा, तिथि, तेथे, या, यी, ये, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। इसको पहचानने के लिए, हिंदी वाक्यों में पहचानने के लिए, यदि हमारी वर्ब के अंत में ताथा, तिथि, तेथे, या, यी, ये, आ, ई, ए आदि शब्द आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो टेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के कुछ नियम होते हैं और वो नियम क्या होते हैं कि इस टेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसा भी है, सभी के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब सेकंड जो हमारा कल होता है, कल दो प्रकार के होते हैं, आपको बताया, आने वाला और जाने वाला, तो इसमें कौन सा कल होता है, जाने वाला कल होता है, तो उसके लिए हम यस्टरडे का यूज करते हैं। जब यस्टरडे का यूज करते हैं, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में फिर हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब के बाद में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में हम अदर वर्ड्स लगाते हैं। अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि उसने अपने भाई को पढ़ाया था, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, उसने, उसने की अंग्रेजी होती है ही, उसके बाद तुरंत बाद हमारा क्या आता है, वर्ब, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म आती है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई हमने, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, टीच है, तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, ही टॉट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे पढ़ाया, अपने भाई को पढ़ाया, तो अपने भाई का मतलब ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होती है, हिज होती है, ही टॉट हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को पढ़ाया। तो मैं समझ रहा हूँ शायद कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। ओके, एक बात और दोस्तों, हमने जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई थी इसमें, आप ध्यान रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होती है, इसके अलावा और कहीं होती ही नहीं है। केवल ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके लिए बनी है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात को गौर से सुन रहे होंगे। अब चलते हैं हम, एक बात और है इसमें कि एक होता है हैबिचुअल एक्शन, एक तो होता है कि मैं पढ़ा था, मैं स्कूल में पढ़ा था, मैं पार्क में गया था, मैं टहलने गया था, और एक इसमें जब हैबिट में आता है तो उसको क्या बोलते हैं कि मैं पार्क में घूमने जाया करता था, मैं टहलने जाया करती थी, मैं दिन में सोया करता था, तो इस तरह की ये हैबिचुअल एक्शन में आता है, जो हैबिचुअल एक्शन मैंने लिखा है, और वर्ब के साथ जरूर चाहे करता था लिखा हुआ हो, करती थी या करते थे, इस तरह का कुछ लिखा हुआ होगा, और उसमें क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद में यूज टू या वुड का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि यूज टू और वुड अपने आप में सेकेंड फॉर्म होते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स लगाते हैं। अब एग्जाम्पल, वह पार्क में खेला करती थी, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया सी, उसके बाद में यूज टू या वुड में से कोई सा एक लगा देना, हालांकि मैंने यहाँ पर दोनों लिखे हैं, आप कोई सा एक लगा सकते हैं, उसके बाद में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने प्ले लिख दिया, इन द पार्क। ओके, अब इसके बाद में चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस पर। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डिड। अब क्योंकि अकेली हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए प्रत्येक जो एवरी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, सबके साथ डिड लगाते हैं, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब डिड होगी फिर वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्यों, क्योंकि डिड अपने आप में ही एक सेकेंड फॉर्म होती है।
पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर नॉट होगी, फिर वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ डिड, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल यू, आई डिड नॉट कॉल यू, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तो नेगेटिव में एक चीज़ और होती है, आपने देखा होगा कि हम नेवर का यूज भी करते हैं, और नेवर का यूज कब होता है, जब हमारे वाक्य में, हिंदी वाक्य में कभी नहीं दिया हो, जब कभी नहीं दिया होता तो हम फिर नेवर का यूज करते हैं, और नेवर का यूज करके, नेवर का प्रयोग करके वाक्य को हम एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते थे कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लगाते थे सीधी सेकंड वर्ब फॉर्म, अब इसमें सब्जेक्ट उसके बाद में नेवर और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हमेशा की तरह अदर वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे भाई ने कभी झूठ नहीं बोला था, सब्जेक्ट लगा दिया हमने माई ब्रदर, उसके बाद में नेवर, कभी और नहीं। एक बात और ध्यान करने की होती है कि ये कभी नहीं एक जगह भी आ सकता है और अलग अलग भी आ सकता है। मेरे भाई ने कभी झूठ नहीं बोला था या मेरे भाई ने झूठ कभी नहीं बोला था, एक ही बात है, इसलिए नेवर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म टेल, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, ए लाई, मेरे भाई ने कभी झूठ नहीं बोला था। तो ये क्लियर हुआ नेगेटिव। इसके बाद में आते हैं हम इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, आप सभी जानते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जो कि हिंदी में क्या से शुरू होता है और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड लगेगी, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट होता है और हमेशा की तरह अदर वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल, क्या इन लड़कों ने कल मैच देखा था, तो क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड होती है, डिड इन लड़कों ने, सब्जेक्ट हो गया दीज बॉयज। देखने की अंग्रेजी बहुत सारी होती हैं, हमने सी लगा दी यहाँ पर, आप वॉच भी लगा सकते हो, डिड दीज बॉयज सी द मैच यस्टरडे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव हुआ। इसके बाद में हम सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं। नाउ वी मूव ऑन सेकेंड टाइप। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है और फिर अदर वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल, अध्यापक ने तुम्हें कब पढ़ाया था, तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाएंगे व्हेन, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी डिड, सब्जेक्ट अध्यापक द टीचर, वर्ब क्या है हमारी पढ़ाना, फर्स्ट फॉर्म टीच हो गई, व्हेन डिड द टीचर टीच यू, एंड आफ्टर यू वी मेक साइन ऑफ इंटरोगेशन। ओके, अब एक बात और होती है इसमें कि जो सेंटेंस हमारा हु से शुरू होता है अंग्रेजी में है, उसको हमेशा हम हु को सब्जेक्ट मान करके पॉजिटिव या नेगेटिव की तरह बनाते हैं। यदि पॉजिटिव होता है तो हु के बाद में वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और फिर अदर वर्ड्स होते हैं, और यदि नेगेटिव होता है तो हु के बाद में फिर हम डिड नॉट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको, और फिर ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स होंगे। एग्जाम्पल, तुम्हें कल किसने सताया था, सबसे पहले किसने की अंग्रेजी हु, अब हमारा सेंटेंस किससे शुरू हुआ, हु से, तो हु को हमने क्या मान लिया, सब्जेक्ट मान लिया, और सब्जेक्ट जब मान लिया तो सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं हम एफर्मेटिव सेंटेंस में, वर्ब लगाते हैं, तो सीधी हमने वर्ब लगा दी। अब क्योंकि ये एफर्मेटिव है, वर्ब की कौन सी फॉर्म सेकंड आ गई, हु टीज्ड तुम्हें ऑब्जेक्ट हो गया, हु टीज्ड यू यस्टरडे, तुम्हें कल किसने सताया था, और नेगेटिव यदि बनाना हो तो हु डिड नॉट टीज यू यस्टरडे। तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि आपको ये जो सेंटेंस हैं समझ में आए होंगे। मैंने आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, हर तरीके का सेंटेंस आपको बताया, डिटेल में बताया, आसान तरीके से बताया। तो यदि ये आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि और कुछ आगे आपको और अच्छा पढ़ना हो, कुछ और अन्य चीज़ पढ़नी हो, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। धन्यवाद।